अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा मौजू है वाटर सेविंग यानी पानी की बचत, और इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं जनाब आबिद सुरती साहब। सुरती साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ, आबिद सुरती साहब उस अहम शख्सियत का नाम है जो मुसलसल साल हा साल से संडे को हमारी और आपकी तरह आराम नहीं करता, बल्कि घर से अपने साथियों के साथ पानी बचाने के लिए डोर टू डोर एक दर से दूसरे दर पर जाता है, लोगों के नल ठीक करता है और ज़ाय होने वाली पानी की हर बूंद को बचाता है। हम उनसे बात करेंगे वाटर सेविंग पे। आइए, उससे पहले हम इस्तकबाल करते हैं जैद खालिद पटेल साहब का, हमारे ख़ास मेहमान इस्लामी स्पीकर जनाब जैद खालिद पटेल साहब, आपका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अगले मेहमान हैं आर के पालीवाल साहब। पालीवाल साहब, आपका इस्तकबाल है। मैं पालीवाल साहब से आपको मुतारिफ करा दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं। पालीवाल साहब हमारे बॉम्बे के इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, लेकिन ये इनकी एकेडमिक पहचान है। इनकी असल पहचान है कि इनके सीने में एक शायर, एक राइटर का दिल धड़कता है। ये मशहूर नावलिस्ट हैं, कहानीकार हैं, मकाले लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं, किताबें इनकी बहुत सारी छप के आ चुकी हैं, और उससे भी ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं। कई एनजीओ से जुड़े हैं, कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो पानी और पानी को बचाने के लिए काम करती हैं। आइए, हम इतने ज़्यादा कीमती मेहमानों से इस मौजू पर बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं आबिद साहब से। आबिद साहब जी, मेरा सवाल यह है, बुनियादी सवाल जो एक आम आदमी की मोटी सी अकल में आता है, वो ये कि हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं कि ज़मीन तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा खुश्की है, तो जो चीज़ तीन हिस्से है उसे एक हिस्सा बचाने की कोशिश क्यों करें? पानी कितना है पहले ये तय कीजिए। पानी उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो पानी घटता जा रहा है, इस्तेमाल इतना बढ़ रहा है, तो ये माना जाता है कि आने वाले चंद सालों में पानी के लिए जंग हो। आज तक जो जंग होती रही हमारे यहाँ, वो या तो धन के लिए होती रही, ऑयल के लिए होती रही, एक ज़माने में नमक के लिए भी जंग हुई थी। अगली जंग जो है वो पानी के लिए है। अगली जंग पानी के लिए होगी। पालीवाल साहब, आप क्या कहते हैं, ये एक हिस्सा खुश्की, तीन हिस्से पानी को निगल जाएगी, ऐसा कोई वक्त आएगा? इसमें थोड़ा सा मैं एक आबिद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज जोड़ना चाहूँगा। तीन हिस्सा हम जो पानी कह रहे हैं, वास्तव में वो तीन हिस्सा पानी का ज़्यादातर हिस्सा हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये तीन हिस्सा पानी का सबसे बड़ा हिस्सा खारा पानी है। इस पानी को हम पी नहीं सकते। पीने के लिए जो पानी है वो जनाब एक हिस्सा भी नहीं, वो इस तीन हिस्से का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं, जो हमें नदी से मिलता है, जो हमें ज़मीन के पानी से, जिसको हम नल से निकालते हैं, उससे मिलता है, और उसकी मात्रा इस एक सूखे हिस्से का बहुत छोटा सा हिस्सा है। यानी एक कन्फ्यूजन है नाज़रीन जी, एक भ्रम है हमारे समाज में। जब हम तीन हिस्सा पानी की बात करते हैं, बहुत कीमती बात हमको पालीवाल साहब ने बताई, जब हम तीन हिस्सा पानी की बात करते हैं तो ये तीन हिस्सा वो पानी है जो हमारे पीने के काम नहीं आता, यानी हमारे लिए ज़िंदगी नहीं है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी नहीं बन सकता। जो पानी हमारी ज़िंदगी बन सकता है वो बहुत कम है, वो बहुत थोड़ा है, उसे बचाना लाजमी है, उसे बचाना ज़रूरी है। वो कैसे ज़ाय किया जाता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जैद खालिद पटेल साहब के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कायनात को बनाने वाले, कायनात के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसकी किताब और उसके रसूल की निगाह में पानी क्या है, पानी की अहमियत क्या है, पानी कहाँ से आता है और पानी क्या ख़त्म हो सकता है, या पानी हमेशा बाकी रहने वाली कोई चीज़ है। जैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहाबी अजमईन, अम्मा बाद। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपकी एक बात से थोड़ा डिफर करना चाहूंगा कि वो जो पानी जो ग्लोब का 71% वाटर है, वो वाटर का अपना बहुत बड़ा रोल है। हम ये देखते हैं कि जो दुनिया भर में पानी है उसका 97.5% पानी सॉल्टी है, सिर्फ 2.5% वाटर है जो फ्रेश है। यानी कि अगर सिवियरिटी इमेजिन करेंगे, ये इतना सिवियर मामला है कि सिर्फ 2.5% पानी फ्रेश है और वो 2.5% पानी का 0.3% पानी है जो सरफेस पे है। इसमें से बहुत बड़ा तबका है जो ग्लेशियर्स में लॉक्ड है और बाकी ग्राउंड वाटर है, लेकिन सरफेस वाटर सिर्फ 0.3% है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो 0.3% है ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह ताला जो इंसानों का बनाने वाला, हम सबका मालिक एक ही है, हम सब उसी के बनाए हुए क्रिएशंस हैं, सबके अंदर एक ही खून है और सबको एक ही पानी पीना है। तो हम ये देखते हैं कि ये पानी
बनाने वाले मालिक की प्लानिंग भी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा अक्सर हिस्सा पानी का 97.5% पानी तो सॉल्टी है, और सॉल्ट भी इतना सिवियर कि बीच में एक रिसर्च जो न्यूज़पेपर्स में आई थी उसमें आया कि अगर सारा के सारा सॉल्ट जो समंदरों में से निकाल करके जमीन पर फैला दिया जाए तो इतना 500 मीटर से ज्यादा यानी 40 माले की बिल्डिंग से ज्यादा सॉल्ट का पूरा के पूरा लेयर पूरा जमीन पे आ जाएगा, इतना सॉल्ट है उसमें। अब ये जो सॉल्टी वाटर है, इस सॉल्टी वाटर का एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो बैलेंस मेंटेन रखने के लिए इतना पानी तो रिक्वायर्ड था, अब हमें पीने के लिए फ्रेश पानी चाहिए। एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत थी जो मैकेनिज्म इस सॉल्टी वाटर को फ्रेश में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई कर दे, और वो मैकेनिज्म भी ऊपर वाले ने रखा है। जो हम देखते हैं कि पानी भाप बन के जब ऊपर जाता है और बारिश बन के जब बरसता है तो फ्रेश पानी बरसता है, यानी कि हमें जो पानी चाहिए वो पानी होता है, वाटर साइकिल। तो जितना पानी इवेपोरेट होता है समंदरों में से उतना ही पानी जाकर के बरस भी जाता है। अगर ये नहीं होता तो सब इवेपोरेट होकर अगर बाहर निकल जाता है यूनिवर्स में तो हम देखते हैं कि हमारे समंदर सर्टेन टाइम के अंदर सूख जाते। ये उसका प्रिजर्वेशन है, वाटर का प्रिजर्वेशन है कि हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है वो पानी को बाहर जाने से रोक देता है। और हम ये देखते हैं कि कुरान के अंदर 60 जगहों पर पानी का जिक्र है, वाटर साइकिल का पूरा डिस्क्रिप्शन कई जगहों पर है कि जहां अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से पानी जो भाप बन के ऊपर जाते हैं और बादलों में से बरसते हैं, जो उस जमाने के साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो तब के जमाने के लोग जानते नहीं थे। तो हम ये देखते हैं कि पानी के बारे में तो कुरान में ये कहा गया, सूरह अंबिया की आयत है सूरह 21 आयत नंबर 30 के वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन है अफल युमिनून, मैंने पानी से सारी जिंदा चीजों को बनाया, क्या तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे। तो हम देखते हैं कि सारी की सारी जिंदा चीजें, उसके अंदर सारी चीजों के अंदर जो बेसिक बुनियादी सब्सटेंस है वो सेल है, और सेल के अंदर 60-80% पानी होता है, वाटर होता है। जो साइटोप्लाज्म जो सेल का बेसिक कंपोनेंट है उसमें 60-80% वाटर होता है। तो हम देखते हैं बनाने वाला तो जानता ही है, अब ये जो सॉल्टी वाटर है 97.5% वो अगर फ्रेश होता तो शायद वो प्रिजर्व भी नहीं रह पाता। उसके प्रिजर्व रह पाने के लिए ताकि हम उसे इस्तेमाल करें, वो पानी वहीं से आ रहा है, हमारे बारिश का पानी, वो समंदरों में से भी जो भाप बन के आ रहा है वो इवेपोरेट होके आ रहा है, वो हमारे सप्लाई का इंतजाम किया गया है। और वो पानी भी सड़ जाता लेकिन उसका भी इंतजाम है कि जो चांद है और चांद की वजह से जो टाइड्स होती है, हाई टाइड लो टाइड, और जो मौजें चलती हवाओं की वजह से वेव्स, ये हाई टाइड और लो टाइड की वजह से वो पानी सड़ता नहीं है, नहीं तो ये पानी अगर पड़ा ये भी सड़ जाता और वो भी अनयूजेबल हो जाता। तो हम देखते हैं कि उसके प्रिजर्वेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है वाटर प्रिजर्वेशन में ऊपर वाले ने बहुत सारे सिस्टम्स रखे हैं, लेकिन यहाँ पे फसाद करने वाला इंसान भी है जो इंसान जाकर बहुत सारी चीजें खराब कर देता है। चलिए आइए इस पे बात करते हैं और पालीवाल साहब से शुरू करते हैं। पालीवाल साहब, ये जो कुदरत का बनाया हुआ निजाम है वाटर प्रिजर्वेशन का, जिसमें हम वाटर को प्रिजर्व करते हैं, इसको ये हम इंसान कैसे खराब कर रहे हैं? देखिए, हम इसको अगर मोटा मोटा देखें तो मुझे लगता है हम तीन तरह से इसको बहुत ख़राब कर रहे हैं। जो कुदरत ने, अल्लाह ताला कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, उन्होंने जो हमको ये बादलों से बारिश के रूप में बिल्कुल प्योर पानी दिया है, लेकिन इस प्योर पानी को हमारे छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे नाले, बड़ी बड़ी नदियाँ बनाते हैं। इसमें सबसे पहला जो गंदगी या मिलावट हम लोग कर रहे हैं वो अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक। जब ये पानी छोटे छोटे नालों से, छोटे छोटे खेतों से बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसमें साथ साथ छोटे छोटे कीटनाशक वो भी मिल जाते हैं। और जब इस पानी को हम लोग पीते हैं या जानवर पीते हैं, पक्षी पीते हैं, वो बीमार होते हैं। तो पहली मिलावट तो हमने ये कीटनाशकों के प्रयोग से किया है। फिर जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, जब भी ये नदी या नाले या झरने किसी छोटे या बड़े शहर के आसपास से गुजरते हैं, उसमें दुनिया भर का मल मूत्र का कचरा हम लोग सीवेज जिसको कहते हैं वो डालते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुदरत ने इंतजाम बहुत अच्छे किए, लेकिन हम लोगों ने उनको ख़राब किया। मैं अगर इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करूं, हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जो नदियाँ हैं जिसमें ये बारिश का पवित्र पानी इकट्ठा होके सबको मिल रहा है, या झील है, तालाब है, उसमें पेशाब मत कीजिए। देखिए, हम व्यक्ति के रूप में वहाँ नहीं करते पेशाब, लेकिन पूरे शहर का मलमूत्र इकट्ठा करके एक बार में डाल देते हैं, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, सोचते नहीं। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा, हमने उस शुद्ध पानी को जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने एक बिल्कुल हमें पवित्र फॉर्म में दिया है, प्योरेस्ट फॉर्म में दिया है, उसको हमने खराब कर लिया, और सबने मिलके कर लिया, सारे शहर वाले बराबर के जिम्मेदार हैं। उधर ध्यान ही नहीं है, वो ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा,
हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो भी दुनिया भर का रासायनिक कचरा निकालते हैं, और चुपके से जैसे हमने शहर में सीवेज डाल दिया, वो भी उसको बिना प्योर किए हुए, उस कचरे की सफाई किए बिना, वो भी इसी पानी के सबसे बड़े स्रोत जो नदियाँ हैं, बड़ी झीलें हैं, इन्हीं में चुपके से वो भी छोड़ देते हैं। तो तीन तरह से हमने इस पानी को प्रदूषित किया है, जो हमारे जीवन का सबसे जरूरी तत्व है। दो ही तत्व सबसे जरूरी कहे गए हैं, और हमारी आम भाषा में, हिंदी उर्दू जबान में, उसको जलवायु कहा गया है। अब आप देखिए, जलवायु में भी जल पहले आया है, क्योंकि जीवन सारा जल से ही उत्पन्न हुआ है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जल सबसे जरूरी है, और उसके साथ वायु चाहिए। तो जब हम जल पे बात करेंगे तो हमें पूरी जलवायु को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, बात करनी होगी। नाजरीन, हमें पालीवाल साहब ने बताया कि हम कुदरत के इस वाटर क्लीनिंग सिस्टम को तीन तरह से पॉल्यूट करते हैं। एक हमारा खेत खलियानों का पेस्टिसाइड कचरा, एक हमारा सोशल कचरा, और एक हमारा इंडस्ट्रियल कचरा, जो हम अपने नदी नालों और झरनों में शामिल करके उसे पोल्यूट कर देते हैं, और एंड यूज़र तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज़्यादा और इंतहाई पोल्यूटेड हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है। आइए हम आबिद साहब के पास चलते हैं, और आबिद साहब से सोशल कचरे पे बात करते हैं, क्योंकि आप मुसलसल, आबिद साहब, सोशल लाइफ में वाटर सेविंग पे काम कर रहे हैं, आपने अपने आपको डिवोट किया हुआ है। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आपका काम इतना ज़्यादा है कि मुख्तलिफ रसालों में, नेशनली एंड इंटरनेशनली, आबिद सुरती साहब की संस्था और ख़ुद उनकी खिदमात का भरपूर तआवुन किया गया है, तारुफ़ किया गया है, तारीफ़ें की गई हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना, आप बताएंगे सच क्या है, कि आपने जितना काम किया है और जिस लगन से काम किया है, तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने को है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये खबर कहाँ तक सच्ची है? पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे बताई गई, किसी ने बताया मुझे? नहीं, मुझे पता नहीं। खुदा करे, अगर तो अच्छी बात है। अगर खबर सच्ची भी नहीं है, तो नाजरीन आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि खबर सच्ची हो जाए। ये आदमी वाकई ऐसे अवार्ड का हकदार है। तो आबिद सुरती साहब से हम बात करते हैं। आबिद साहब, आप समाज के बहुत ज्यादा करीब हैं, और समाज के करीब रह के वाटर सेविंग के प्रोग्राम चला रहे हैं, हर आदमी को, बड़े को, बूढ़े को, बच्चे को, जवान को अहमियत समझा रहे हैं पानी की। मैं चाहता हूँ आप हमारे नाजरीन को समझाएं और हमें बताएं कि हमारा समाज वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करता है जिनसे पानी वेस्ट होता है, या खराब होता है, या पॉल्यूटेड होता है। कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ से पानी निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे मसलन, अगर हम नल को ज़रूरत हो तब खोलें, ज़रूरत हो तब बंद करें, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, हमारी बाइयाँ जो होती है घर में काम करने आती हैं, वो आएगी तो पूरा नल खोल के छोड़ देगी, पानी बहता चला जाएगा। बाइयों को ट्रेन करना ज़रूरी है। कई होटलों में टब्स, बड़े बड़े टब होते नहाने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले शुरुआत की, अपनी होटलों से सारे टब निकाल दिए, क्योंकि टब में इतना पानी ज़ाया होता है। उसी तरह नहाने में हमें जितनी ज़रूरत है, तो एक बकेट की या दो बकेट की, लेकिन हम फ्लैश शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर कहीं से पानी निकालेंगे, शावर चलवा दिया, ये कर दिया, तो मतलब ये भी वेस्टेज जा रहा है। तो मेरा कहना ये कि छोटी छोटी जो बातें जो है, और जो मैंने जो पिकअप की है बात, जो मुझे छू रही थी, वो नल से पानी टपकना, तो मुझे पता चला कि एक सेकंड में एक बूंद पानी टपकता है, तो एक महीने में 1,000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? 1,000 लीटर यानी कि यूं सोचो कि 1,000 किसी पानी की ड्रिंक की बॉटल कोई गटर में बहा रहा हो, ये फीलिंग मुझे आई, और मैंने ये काम शुरू कर दिया कि यहाँ से शुरुआत करो। मैं आपको रोक रहा हूँ एक मिनट, ये पैगाम दे दो नाजरीन को। देखिए कितनी अहम बात है, मेरा भी ध्यान नहीं था, और मुझे यकीन है हम सब में से किसी का ध्यान नहीं होगा। आबिद सुरती साहब ने कितनी अहम इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि हमारे घरों के जो नल होते हैं, किचन का नल, वॉश बेसन का नल, या बाथरूम टॉयलेट का नल, वॉशरूम का नल, उनसे टपकने वाला एक सेकेंड में एक बूंद पानी महीने के आखिर में 1,000 लीटर पानी का नुकसान करता है। और 1,000 लीटर पानी, आप यकीन कीजिए कि एक घर को अच्छा खासी सेहत और अच्छा खासा रिसोर्स दे सकता है। आइए हम इसी मौके पे, मैंने गुफ्तगु इसलिए रोकी, इसी मौके पे ये तहिया करें कि अपने अपने घरों में अपने अपने तमाम टेप्स को देखें कि कहीं पानी टपक रहा है तो उसे बंद कर दें। और आबिद सुरती जब आपके दरवाजे पे आके घंटी बजाएं, तो आप मुस्कुरा के उन्हें ये कहें कि आबिद साहब, आपका पैगाम हम तक पहुंच गया, और देखिए तमाम नल हमारे परफेक्ट हैं, एक बूंद पानी नहीं टपका। तो ये छोटी सी बात। दूसरा इसमें मैसेज मेरा ये है कि जो सीनियर सिटीजन घर में बैठे हैं और बैठकर या तो क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, या सरकार हाथ में नहीं आई तो बीवी बच्चों पर हल्ला बोल देंगे, तो ये टाइम जो जाया कर रहे और सारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं,
माहौल में जो नेगेटिविटी, तो इसको तोड़ना है। ये मेरा जो मकसद जो जो अलग अलग है, तो इसको तोड़ने के लिए इन लोगों से मैं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव काम करो, कुछ भी करो। अगर सरकार के कोई कुछ लोग पैसे खा गए हैं, तो आपने एक पोस्ट कार्ड लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ गवर्नमेंट, एक पोस्ट कार्ड अगर सारे मतलब भारत की जो प्रजा है उसमें से 10% लोग भी एक एक पोस्ट कार्ड लिखे, तो गवर्नमेंट ही उलट जाए। आबिद भाई, मुझे आपके साथ लगता है एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, और एक ऐसे सोशल अभियान पे, सोशल जागरूकता पे करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम तो ये सारी बातें मतलब मुझे खल रही थी। एक यानी एक बूंद पानी मिला के 1000 लीटर जाया हो जाता है। अब मेरे दिमाग में फौरन आपकी इस गुफ्तगू से बात आई कि कितने सारे हमारे बुजुर्ग जाया हो रहे हैं घर बैठे नेगेटिविटी के साथ। बिल्कुल, यही मुझे एक फायदा इसमें ये होता है कि मैं घर घर जो जाता हूँ, और वहाँ जिन सीनियर सिटीजन को, मैं सीनियर नहीं हूँ ये मान के चलो, तो नहीं आप काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई आप बाहर निकलिए, काम कीजिए, उसके बाद में क्रिटिसाइज करो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जब आप मैं खुद काम करेंगे तो एक पॉजिटिविटी अंदर आएगी। लेकिन आज तक एक सीनियर सिटीजन बाहर नहीं निकला। अच्छा ये बताइए कि आपके इस अभियान में जब डोर टू डोर जाते हैं, कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि आपकी मुखालफत हुई हो? 100 में से एक शख्स ऐसा मिल जाता है जिसको ये समझ में ही नहीं आता कि ये बंदा मुफ्त में क्यों कर रहा है। कुछ करने कैसा प्लम्बर है, मुफ्त में आया। तो नॉर्मली तो बड़ा स्वागत होता है, वेलकम करते हैं लोग, कहते हैं भाई आप आए हो तो आप चाय पी कर जाइए, कोई कहता है आप खाना खा कर जाइए, लंच का टाइम है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो प्यार मिलता है तो प्योर है, उसमें हमारा जो कॉस्टिंग जो है, एक नल ठीक करने में कुछ 25 पैसे का कॉस्टिंग आता है, क्योंकि वॉशर जो होता है अंदर वो ख़राब हो जाता है। और ये लोग जो ऑफ़र करते हैं कि भाई हमारे घर खाना खा कर जाइए, तो मैं रहता हूँ, मेरे साथ मेरा प्लम्बर रहता है और एक वॉलंटियर रहती है। मैं चाहता हूँ उनका भी नाम बताएं आप, यहाँ खिदमत के काम करने वालों के नाम जाने चाहिए लोगों तक। एक का नाम है रियाज अहमद, जो कई साल से हमारे साथ है, और एक महिला है, लेडी है, तेजल शाह, ये मेरी टीम है। रियाज अहमद साहब और तेजल शाह साहिबा, हम अपने नाजरीन की तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके दरवाज़ों पे आप गए और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उनके नलों को ठीक किया और उन्हें वाटर सेविंग की तालीम दी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा पूरा चैनल और पूरा स्टाफ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही काम करते रहिए और आपको देख के और लोग भी ऐसे काम करें। जैद भाई के पास आता हूँ, बहुत अच्छी बात अभी आबिद साहब ने कही और ये कहा कि लोग नहाने में, ब्रश करने में पानी ज़ाया करते हैं, इस्लाम किस तरह से सेव कराता है पानी? जी, हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ये सिखाया है कि पानी एक अमानत है, अल्लाह की दीवी अमानत। और जैसे कहावत है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो वैसा मामला नहीं है कि बस कुछ भी मामला नहीं है, नहीं ये एक अमानत है, और साथ साथ में ये एक नेमत भी है, और हमें इस चीज़ के ताल्लुक से पूछा भी जाएगा। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक ऐसी जिंदगी जी कर उन्होंने बताया कि जो खुद एक मिसाल है। मिसाल के तौर पर वुजू, जो हर नमाज से पहले वुजू करना इस्लाम का हिस्सा है, नमाज से पहले वुजू करना, आफ्टर ऑल हदीस है तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी और सफाई ईमान का हिस्सा है। तो हम देखते हैं ईमान का हिस्सा सिर्फ थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी होता है, सफाई भी ईमान का हिस्सा है, सफाई में हर लेवल आ जाता है। वुजू का हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेजर मिलता है 1 मुद, जो तकरीबन 1.25 लीटर के बराबर है, और अगर कोई इंसान नल खोल कर वजू करेगा तो बहुत सारा पानी उसका वेस्ट और जाया हो जाएगा, आधी बकेट जी तकरीबन। लेकिन अगर वो एक वेसल में लेकर करे, या मान लीजिए जैसे कई प्रेस टाइप के टैप आते हैं जो दबाव ऑन होगा उतना पानी ले लिए, मतलब ये कई सारे सिस्टम्स हो सकते हैं पानी बचाने के लिए, ताकि हम उसके थोड़े तो करीब जाएं, कहां एक मुद और कहां जो आज एक इंसान बहुत सारा जाया कर देता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि गुसल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सा = 4 मुद, तो यानी तकरीबन उतने पानी में फुल गुसल किया करते थे। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को पूरी तरह से इस्तेमाल करते थे। अब हम आज के जमाने में देखें तो बहुत सारे लोग जो इसके अंदर वेस्ट करते हैं, और पानी अगर घर में नहीं है तो समझते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, हालांकि ये देखें कि अगर पानी कम हो तो एक इंसान कम में एडजस्ट कर लेता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सड़क है बॉम्बे में जिसके एक साइड पर दिन भर पानी आ रहा है और एक साइड पर सिर्फ थोड़ा पानी है, उनको पानी कहीं से ला ला के इस्तेमाल करना होता है। तो ये साइड वाले इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि पूरा भाई कोई फिक्र ही नहीं है, पानी इस्तेमाल करते रहो, बहता रहे, और वहां वाले बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थोड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि ये एक साइकोलॉजी है, एक इंसान बहुत सारे मेजर्स अपना सकता है लेकिन उसकी सोच क्या है, तो पहले सोच को सॉल्व करना होगा, उसकी सोच में उसे एक एहसास दिल में लाना होगा कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया को बनाया, दुनिया में कई चीजें हमारे लिए रखी है, ये हवा रखी है, ये पानी रखा है अल्लाह ताला ने, और ये एक अमानत है, और हमें एक जिम्मेदार बनाया है, हम यहाँ पे जिम्मेदार के हैसियत से दुनिया में,
اور ہم جو استعمال کرتے ہیں یا جو ضائع کرتے ہیں اس چیز کے تعلق سے ایک دن ہمیں جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم نے کیا چیز کا کیا استعمال کیا. تو اگر یہ سائیکالوجی ذہن میں آ جائے تو نل ڈرپ ہو رہا ہے تو ایک انسان اس کی طرف دھیان دے گا, یا کام والی بائی ہے جو آن کر کے رکھی ہے تو اس کو جا کے ایجوکیٹ کرنا ہے, سمجھانا کہ بھائی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بل بہت زیادہ نہیں بڑھ رہا ہو, کیونکہ اکثر جگہوں پر ہمارا واٹر کا بل کا بہت زیادہ مسئلہ انڈیا میں نہیں ہوتا ہے, جو کئی گلف کنٹریز میں جنرلی بل بھی بڑھ جاتا ہے تو وہ لوگوں کو پے بھی کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا زیادہ پنچ کرتا ہے. لیکن یہاں جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کئی بار, تو وہ نل میں سے پانی ضائع نہ ہو. یا مان لیجئے جیسے باتھ ٹب سے لے کر یا شاور آدمی آن کر کے ریلیکس کر رہا ہے, بھائی ریلیکس کرنے کے دوسرے طریقے ہیں, یہاں پہ آپ کو جواب دینا ہوگا اس پانی کے تعلق سے. ندی تک جائیے, سمندر تک جائیے. یا آپ یہ دیکھیے کہ کیسے ہم سب کنزرو کر سکتے ہیں, بہت سارے میجرز ہیں, ایک انڈیویجولی بھی اپلائی کر سکتا ہے, کلیکٹیولی اگر پوری بلڈنگ یا سوسائٹی یا ایک کالونی یا کچھ ایک گروپ آف پیپل اگر مل کر کچھ کرنے آئے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی. لیکن پہلے سوچ کے بارے میں بات ہے کہ کیا وہ سوچتے ہیں اس چیز کے تعلق سے. کیا وہ سوچتے ہیں, کیا ہم سوچتے ہیں؟ میں پالیوال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ نے کہا جلوایو, کیا ہمارے سماج میں, ہمارے ہندوستانی سماج میں جلوایو کو لے کے کوئی ذمہ داری کا احساس ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو احساس ہے آج کی تاریخ میں. ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس میں. اب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آبی سرتی جی, ان کو اتنا احساس ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیول خود کے لیے ہی اس کو عمل نہیں کر رہے ہیں کہ پانی کو بچایا جائے جو امانت ہے اور بڑی سیمت ماترا میں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا بھنڈار جیسے تیل کا بھنڈار ہے اس طرح سے یہ بھی سیمت ہے, خاص طور سے دھرتی کے اندر جو پانی ہے. یہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ دھرتی کے اندر اتنا پانی ہے کہ اس کو کتنا ہی ہم نکال لیں ٹیوب ویل سے پمپ سے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا اکثر آتا ہے کہ ہریانہ میں یا پنجاب میں پہلے کچھ علاقوں میں 20 فٹ کے نیچے پانی تھا. ہاں یہ میں ٹوک رہا ہوں کو بیچ میں, یہ میں نے اکثر سنا اور دیکھا ہے کہ واٹر لیول نیچے بھی جاتا ہے, لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اوپر بھی آتا ہے. ہاں نیچے تب جاتا ہے جب پرکرتی ہم کو, قدرت ہم کو ایک فکس ماترا میں پانی دے رہی ہے بارش کے روپ میں. یہ پانی تھوڑا تھوڑا زمین کے اندر جا کے اکٹھا ہوتا رہتا ہے. اب جتنا پانی ایک سال کی بارش میں اکٹھا ہوا ہے زمین کے نیچے, اگر اس سے زیادہ ہم نکال لیں گے تو واٹر ٹیبل نیچے چلی جائے گی. ہمیں کئی بار یہ سماچار سننے کو ملتا ہے کہ امک پردیش میں واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا. اس کا سیدھا سا مطلب یہی نکالنا ہے کہ جتنا پانی ہم کو قدرت دے رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم استعمال میں لا رہے ہیں. ہاں میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم نے بہت بار سنا اور دیکھا بھی ہے, ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں کہ جہاں آس پاس ندی ہے نارتھ انڈیا میں, تو ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ واٹر لیول نیچے بھی چلا جاتا ہے لیکن اوپر بھی آتا ہے. نہیں, اوپر آج کل بہت کم جگہ آ رہا ہے, جہاں کے لوگوں نے کچھ ایسے واٹر کنزرویشن کے پروگرام کیے ہیں جس سے اس علاقے میں یا تو بارش کی ماترا بڑھی ہے یا جتنا بارش ہوئی ہے اس سے کم انہوں نے استعمال کیا ہے. اچھا بارش کے ہونے سے اس کا تعلق ہے, بارش زیادہ ہوگی تو واٹر لیول اوپر آئے گا. جی جی. اور اگر بارش کم ہوگی تو واٹر لیول نیچے جائے گا, کیونکہ ہم زمین کا پانی تو لگاتار نکال رہے ہیں. میونسپلٹی الگ نکال رہی ہے, کسان الگ نکال رہا ہے, ہاؤس ہولڈ کے لیے چھوٹے چھوٹے نل گھر گھر میں لگے ہیں تو وہ بھی سب پانی نکال رہے ہیں. تو یہ لگاتار ہم کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا ہر کسان کو, ہر ناگرک کو, ہر ادیوگ پتی کو, کہ ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ہی پانی نکالیں اور وہ ضرورت جتنا قدرت ہم کو پانی دے رہا ہے اس سے کم ہماری ضرورت رہے گی, تبھی ہم اپنی آنے والی پیڑھیوں کے لیے پانی بچا پائیں گے. ادروائز یہی ہوگا کہ ہم تو موج مستی سے اپنا جیون گزار لیں گے لیکن ہماری جو آنے والی پیڑھیاں ہیں وہ ہم کو بہت گالیاں دیں گی کہ جیسے آپ کی پیڑھیوں نے آپ کے لیے اچھا پانی چھوڑا تھا, اس طرح کا اچھا پانی, زیادہ پانی آپ نے ہمارے لیے نہیں چھوڑا. اچھا یہاں میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے پالیوال صاحب, کہ ہمارا کسان, ہمارا ایگریکلچر پہ کام کرنے والے لوگ جس کھیت سے پانی نکالتے ہیں اسی کھیت میں بہا دیتے ہیں, گیا کہاں؟ نہیں, یہ ہماری غلط فہمی ہے, کیونکہ کھیت میں جو ہم پانی دے رہے ہیں, کیونکہ کھیت میں سطح کے اوپر ہم پانی دے رہے ہیں, وہاں سے بہت سارا پانی کی قریب 80% ماترا بھاپ بن کے اوپر اڑ جاتا ہے, واٹر سائیکل میں آ جاتا ہے. تو نیچے سے تو آپ نے پانی نکال لیا, اوپر سے اتنا گیا نہیں نیچے, نیچے تو بہت تھوڑا سا گیا جڑوں کے آس پاس, باقی تو بھاپ بن کے اڑ گیا وہاں سے. اچھا عابد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ جب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں واٹر سیونگ, تو ایگزیکٹلی یہ ہے کیا, کیا پانی چھپا کے رکھ لینا, بچا کے رکھ لینا, یا پانی جو پینے کے لائق پانی ہے اس کو بچا کے رکھنا,
या पीने और नहाने के पानी को अलग रखना, ये है क्या? बेसिकली से अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने कहीं पढ़ा था कि उतना पानी लो जितना पी सको। क्या मतलब हुआ उसका? कि पानी पूरा ग्लास लो, दो घूंट पियो और फेंक दो बाकी का। तो ये पानी बचाना इसे कहते हैं। जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है हमारी, जैसे मैंने कहा कि एक इंसान की जरूरत कितनी है, तो चार बकेट, एक बकेट नहाने के लिए, एक बकेट कपड़े धोने के लिए, एक बकेट घर साफ करने के लिए, एक बकेट खाना पकाने के लिए। आप 24 घंटे पानी मांग रहे हो तो किस लिए मांग रहे हो 24 घंटे? तो हमारी जरूरत जो है बहुत सीमित है, लेकिन हम ऐसी दरिया दिल्ली से सारा दरिया ही बहा देते हैं, यानी कि घर घर में गंगा बह जाती है। तो मुझे एक इन्विटेशन आया था कश्मीर से कि 10 दिन के लिए 10 स्टॉक वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उसके अंदर। तो मैंने कहा कि भाई आपको तो कोई पानी की प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ गंगाएं बह रही है, मतलब नदियां बह रही है, तो आप क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है पानी का, पहले तो इस्लाम का हवाला दिया, बंदा जो था सामने लाइन पर उसने इस्लाम का हवाला दिया, और ये जुमला मुझे उन्होंने बताया कि उतना पानी लो जितना पी सको। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम जो है कश्मीर का नहीं है, इंडिया का नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम, सारी दुनिया का प्रॉब्लम है। और हम चाहते कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो अवेयर हो जाए। जो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश मैं यहाँ कर रहा हूँ, वही वो चाहते हैं कि मैं वहां करूं। जो मफहूम हम देखते हैं कि वेस्टेजेस के बारे में दिया हुआ है, सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 31 में है कि खाओ और पियो लेकिन वेस्ट ना करो। तो हम देखते हैं कि वेस्ट न करने से, फिर उसके बाद कहा गया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह वेस्ट करने वाले, जाय करने वालों को पसंद नहीं करता। करेक्ट, मतलब अल्लाह ताला के नापसंदीदा लोगों में से कोई इंसान बन जाएगा अगर वो जाय करने वालों में से होगा। जो जाया करता है वो शैतान का भाई है। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान की सूरतुल इसरा की आयत है, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, कि यकीनन जाय करने वाले तो शैतान के भाई होते हैं और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। तो वेस्ट करके, जैसे मान लीजिए कोई शख्स वेस्ट कर रहा है, तो वेस्ट करने में पैसा भी आ गया, वेस्ट करने में नेमतें या चीजें या जो भी चीजें एक इंसान के पास है, ऊपर वाले ने दिया है, कुछ भी हमारा तो नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले की दी हुई नेमत है। तो अगर कोई वेस्ट कर रहा है तो उसका रिश्ता जुड़ रहा है, और रिश्ता जुड़ रहा है शैतान से, वो शैतान का भाई बन रहा है बाय वेस्टिंग, ताकि आगे की पीढ़ी या आगे की जनरेशन या खुद जो उसे करना चाहिए उसके साथ वो अच्छा नहीं कर रहा। वेस्ट करने वाला शैतान का भाई है, और मुझे नहीं लगता हम में से कोई शैतान का भाई या बहन होना चाहेगा, आप में से भी नहीं। और इस्लाम ने यही सिखाया कि ये सारी जो अल्लाह की दीवी नेमतें हैं इनको वेस्ट करने का कोई हक नहीं है कोई इंसान को। और कुरान के अंदर हम देखते हैं कि ये तालीमात के साथ में हम सही बुखारी की हदीस है, कुल्लुकुम मसूलुन अर रईयत ही, कि तुम सबके सबको अपने माँ तहतों के बारे में पूछा जाएगा, जो भी तुम्हारे अंडर में है, जो भी तुम्हारे चार्ज में है, वो चीज के ताल्लुक से तुम्हें पूछा जाएगा कयामत के दिन। तो कयामत के दिन हमें पूछेगा, भले ही के ताल्लुक से पानी का ऑडिट नहीं होता है जो हमें सबमिट करना हो कि रिटर्न्स फाइल करने हैं पानी के, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक दिन आएगा जिसमें हमें हर नेमत का जवाब देना है कि मैं ये क्यों किया। तो कल वो खुला हुआ नल या लीक होने वाला नल जिसके ताल्लुक से कोई आए या ना आए, लेकिन हम सबको इसकी जिम्मेदारी को समझना है, और समझ करके अल्लाह के सामने कयामत के दिन क्या जवाब देंगे, बस वो जवाब सोचना है कि मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। जी, तो ये इसका फायदा मैं अपने कैंपेन में उठाता हूँ, ये जो बता रहे हैं ना। तो जब मुस्लिम घरों में जाता हूँ तो वहाँ कुरान का हवाला देता हूँ, और जब हिंदू घरों में जाता हूँ तो वहाँ गीता का और शास्त्रों का हवाला देता हूँ। तो ये बड़ा इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है, जल्दी जल्दी लोगों को समझ में आ जाती है। इरशाद जी, जी ये पेड़ और पानी का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को विज्ञान भी मानता है, साइंस भी कहती है कि पानी, खास तौर से मीठा पानी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, खारा पानी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत है, मीठे पानी और पेड़ का बिल्कुल चोली दामन जैसा रिश्ता है। जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा बारिश आती है, क्योंकि बादलों को पेड़ ही आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने शहर के आसपास के सब पेड़ हटा दें तो आपके शहर से बादल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, बादलों को पेड़ ही रोकता है। तो पानी जो बारिश हो रही है उसकी मात्रा पेड़ों से निर्धारित होती है। ये अभी मैंने दुबई में देखा, बिल्कुल पूरा रेगिस्तान जो है, हाँ, वो पेड़ लगाकर वहाँ बारिश शुरू, बारिश होने लगी। अब 30 साल पहले, 50 साल पहले दुबई में बारिश नहीं होती थी, मेरा भी अनुभव है ये। अच्छा। और 20 साल पहले जब मैं दुबई गया था उस समय बहुत लार्ज स्केल पे भयंकर प्लांटेशन हो रहा था, चारों तरफ छोटे छोटे पौधे,
लगा रहे थे और उनको पूरे साल पानी की व्यवस्था वो कर रहे थे। और मैं इस हवाले से बहुत कमाल की बात आपको बता दूं जी, उनकी जो जमीन है, उनकी जो मिट्टी है, वो पेड़ या घास पैदा करने लायक नहीं है। हवाई जहाजों में भर के दूसरे ममालिक से वो मिट्टी लाए हैं, उन्होंने पूरी लेयर क्रिएट की है उस जमीन को इस लायक बनाने के लिए कि उस पे हरियाली लाई जा सके, और हरियाली लगाई है। मैंने खुद देखा अपने दुबई कयाम के दौरान कि चार चार पांच पांच साल बारिश नहीं होती थी, और आज भी बारिश ना होने का जो सबूत है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ आज भी शाहराहों पर, गलियों में, बाजारों में पानी, अगर बारिश हो जाए तो पानी के निकलने के कोई रास्ते नहीं है। आज भी रेनी डे की छुट्टी होती है दुबई में अगर बारिश हो जाती है तो, और सड़कों पे और हाईवेज पे पानी भर जाता है। मैं खुद हाईवेज पे पानी के जाम में फंसा हूँ बारिश की वजह से। तो वहाँ आज भी इंतजाम नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि पानी और पेड़ का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि वहाँ बारिश होने लगी है। बल्कि वहाँ यूएई में, दुबई के पास एक जगह है और ओमान में एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ अभी 3 साल पहले बर्फ पड़ी है। हैरत अंगेज बात, जो कभी नहीं पड़ी थी। ये ग्लोबल वार्मिंग भी एक तरह से सारे पैटर्न्स को चेंज कर रहा है, शहर का चेंज। और ये चेंजिंग पैटर्न्स में हम सबको ये लेसन सीखना कि हम पानी को किस तरह से प्रिजर्व और कंजर्व करेंगे, ये बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं जो वास्ट स्केल डिस्ट्रक्शन आ सकता है लोगों पर इस छोटे से नल को खुला रखने की वजह से। क्योंकि सारे लोग जो केयरलेस बनते हैं, ये केयरलेसनेस का एक ट्रेंड बन गया है, और इसकी वजह से एक बिल्कुल अनइमेजिनेबल लेवल का डिस्ट्रक्शन दुनिया में पहुंच सकता है सिर्फ पानी की वजह से, और जगह जगह पर ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज से एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और हम सबको अपनी आदतें बदलना चाहिए और कम्युनिटी के तौर पर सॉल्यूशंस क्रिएट करना चाहिए। सॉल्यूशन पे आएंगे थोड़ी देर के बाद। एक सॉल्यूशन निकाला है किसी ने, जो मैंने मेरी वेबसाइट पर मैंने लगाया है कि हवा से पानी निकाल रहा है। सर अभी आऊंगा मैं उस पे, आऊंगा सॉल्यूशन पे आऊंगा, अभी पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर ले। पालीवाल साहब, आपसे सवाल है। अभी जैद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से भी है, तो मुझे जरा समझाइए कि ग्लोबल वार्मिंग और पानी में क्या ताल्लुक है। ग्लोबल वार्मिंग और पानी का सबसे बड़ा ताल्लुक तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं जब हमारी धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने लगा, और ये हमारी आदतों की वजह से बढ़ रहा है, जिसमें कुछ तो धरती से पेड़ कम होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है हमने जो चारों तरफ एयर कंडीशनर्स लगा दिए हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, तापमान जब बढ़ रहा है तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो पानी के ऐसे भंडार हैं जिनको रिजर्व भंडार कहा गया है, वो बर्फ पिघल रही है, और जब ये बर्फ पिघल के अल्टीमेटली नदियों के रास्ते समुद्र में आएगी तो समुद्र का तल इतना ज्यादा ऊपर आ जाएगा कि आपके ज्यादातर विश्व के सभी बड़े महानगर, ज्यादातर बड़े महानगर समुद्र के किनारे बसे हैं, इन सब की डूबने की नौबत आ जाएगी। अब आप उसमें देख लीजिए, आपका मुंबई उसका एक उदाहरण है कि समुद्र तल पे ही बिल्कुल हम बसे हुए हैं। और अगर इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो जो हमारे वो रिजर्व बर्फ के जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सारे पिघल जाएंगे, और वो पिघल के अगर समुद्र में मिल गए तो ना तो हमारी गंगा, यमुना, ये सब जो नदियां हैं, ये भी तो ग्लेशियर से थोड़ा थोड़ा उस रिजर्व से हिस्सा हमको ला रही ला है। ला रही है। तो अगर वो सारा ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, एक तरफ तो हमारी नदियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी तरफ हमारी जितनी भी समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी आबादियां हैं ये भी खत्म हो जाएगी। एक तरह से हमारा अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा, अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसी पर अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, सैन फ्रांसिस्को में सिर्फ 1 साल का पानी बचा है। अब सोचो अगर बंबई में सिर्फ 1 साल का पीने का पानी बचा हो तो क्या हालत होगी। नहीं, सैन फ्रांसिस्को में 1 साल का पानी बचा है, इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, मतलब पीने का पानी नहीं रहेगा, उनकी जमीनों में नहीं है, उनके पास रिजर्व नहीं है, उनके पास बारिश बंद होने, पूरा आर्टिकल, पूरा आर्टिकल मैं जानना चाह रहा हूँ समझने के लिए, उसी पर था। हाँ, इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये हुआ कि उन्होंने लगातार अपना कंजम्पशन, उपभोग इतना बढ़ा लिया कि जितना उनका रिजर्व था, हो सकता है 100 साल का रिजर्व रहा हो, उन्होंने इतना उपयोग कर लिया कि बस अब 1 साल का बचा है, ये भी उसका एक दूसरा। नाज़रीन, पालीवाल साहब कमाल की बातें कर रहे हैं और हमें बहुत खूबसूरती से ये बता रहे हैं कि इसमें हमें कंजम्पशन और अवेलेबिलिटी के दरमियान एक परफेक्ट तालमेल रखना पड़ेगा, नहीं तो हम किसी न किसी परेशानी का शिकार हो जाएंगे। पानी जो हमारे लिए जिंदगी है, वही पानी हमारे लिए जहमत, वही पानी हमारे लिए मौत बन सकता है। पालीवाल साहब, मैं आपसे एक बात खास तौर पर जानना चाहता हूँ, आपने पेस्टिसाइड की बात की, ये जो खेतों में पेस्टिसाइड खाद के जरिए या आज के जो मॉडर्न तरीके हैं खेती करने के, उनके जरिए पैदा होता है और वो हमारी नदियों तक या हमारे झरनों तक, नालों तक आता है, उससे नुकसान पहुंचता है,
लेकिन इसका हल क्या है? क्योंकि हल मतलब इन द सेंस में पानी का हल या पेस्टिसाइड का हल नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ कि हम खेती के लेवल पे अपने खेतों में पैदावार बढ़ाने के लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के मॉडर्न खाद इस्तेमाल करके बढ़ती हुई आबादी की खुराक को या उनकी जरूरतों को पूरा जो करते हैं, अगर हम वो ये इस्तेमाल ना करें तो वो जरूरतें अधूरी रह जाएंगी, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये बड़ी सतही, जो लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे या हम ये यूरिया और डाई ये केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपनी जरूरत का अनाज नहीं पैदा कर सकते। मैं आपको मुश्किल से 50 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। हम कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे? नहीं के बराबर। हम यूरिया वगैरह नहीं के बराबर इस्तेमाल करते थे। अपने ही देश में इस्तेमाल करते थे गोबर की खाद, ये इसको हम ऑर्गेनिक खाद भी बोलते हैं। और जो जैविक कृषि है, मतलब ये है कि हमें बाहर से केमिकल्स वगैरह खेती में इस्तेमाल नहीं करने हैं। एक तरफ तो हम जो अपना मलमूत्र जिसको सीवेज के रूप में हम वेस्ट कर रहे हैं नदियों में बहा के, पहले ये गांव देहात में खेती में जाता था, मनुष्य का भी और जानवरों का भी। और उसको जिसको हम आज वेस्ट कर रहे हैं और अपने नदी के पानी को खराब कर रहे हैं सीवेज से, यही सीवेज गाँव में कुछ साल पहले हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिससे हमको अच्छी क्वालिटी का खाद पदार्थ मिलता था, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती थी। लेकिन यहाँ बालीवाल साहब, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। यस, 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ऐसा होता था, बल्कि हमने भी देखा है उस खाद को बिखरते हुए खेतों में, लेकिन उससे जो पैदावार जितनी थी वो कम थी। अगर एक बीघा खेत मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल 4 क्विंटल गेहूं पैदा करता था, तो आज जो खाद की क्वालिटी है उसको 8 क्विंटल पे ले गई है। इसमें केवल खाद की क्वालिटी की बात नहीं करेंगे हम, हाइब्रिड सीड भी आए हैं, उससे भी पैदावार बढ़ी है। और इधर नए प्रयोग हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आप ठीक है, 1-2 साल तो खाद ज्यादा डाल के, पेस्टिसाइड डाल के आप फसल बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी पंजाब में उल्टा हो रहा है, खाद इतनी ज्यादा डाल चुके हैं कि अब कितनी भी खाद डालिए एक सेचुरेशन पॉइंट आ चुका, और वहां पे दोबारा अगर खेती को हमको फसल देने लायक रखना है तो फिर से वो ऑर्गेनिक खाद पे आ रहे हैं। हाँ, उसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर आने से हमारे यहाँ गाय भैंसे बैल कम हुए हैं, गोबर कम हो रहा है, तो केंचुआ खाद का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि केंचुआ भी एक तरह से प्रकृति का हिस्सा है, कुदरत का हिस्सा है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मॉडर्न पेस्टिसाइड वाले खाद है, इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम पुराने जमानों में कहानी सुनते थे कि मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है जी, उसे काट लो और जल्दी से सारे अंडे निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, यानी दवा इतनी दे दी गई जमीन को कि अब दवा ने, पेन किलर ने असर करना बंद कर दिया। बस, बस। अच्छा, आपके पास आता हूँ मैं आबिद भाई। आबिद भाई, ये बताइए कि मैंने बाहर के ममालिक में देखा कि जो यूज्ड पानी है या सीवर है या इवन सम कंट्रीज समंदर, इसमें से पानी को प्योरीफाई करके पीने के और इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है, रीसाइकलिंग जिसे कहते हैं हम, तो इनफेक्ट वो रीसाइकलिंग हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है क्या? नहीं, हम वहाँ उस पानी को समंदर तक क्यों जाने देते हैं? नहीं, बिल्कुल है और कर रहे हैं लोग। यानी अब जितनी भी नए मकानात जो बन रहे हैं उनमें गवर्नमेंट का ही लॉ है, कानून है कि पानी जो है उसको प्रिजर्व भी करो और रिसाइकल भी करो। रिसाइकल पानी जो काम आता है, कार वॉशिंग है, टॉयलेट्स है, वहाँ ये सारा रिसाइकल पानी इस्तेमाल होता है। और एक मैंने यहाँ जमुना के किनारे दिल्ली में था मैं, तो एक साहब एक गोली लेकर आए थे, टैबलेट। वो कैसा भी गंदा पानी हो उसमें आप वो टैबलेट डालिए तो पानी एकदम से शुद्ध पीने जैसा, जैसा हमारे पास यहाँ है बिल्कुल वैसा हो जाता था। तो ये भी प्रयोग अब शुरू हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में। जैद भाई, सवाल आपसे, ये जो रिसाइकल का पानी है, क्या ये इसमें इस्लामी नुक्ता नजर क्या है, ये इस्तेमाल के लिए जायज है? आज से तकरीबन 28-30 साल पहले की बात है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स जमा होते हैं और OIC का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जो सारी कंट्रीज है OIC की, उनकी जो इस्लामिक फतवा की कमेटी के सामने ये सवाल पुट अप किया गया था। और जो बेसिक रूल है कि एक चीज के ताल्लुक से इजमा कंसेंसस है स्कॉलर्स का कि अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक पानी की बदली है नजासत की वजह से, वो है 3 चीजें जो यही है, टेस्ट, स्मेल और कलर। अगर नजासत यानी कोई डर्टी चीज की वजह से, अगर डर्टी चीज की वजह से ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पानी की अगर बदली हुई है तो वो पानी को बिल्कुल, एक है पाक और एक है पाक करने वाला, तो वो दोनों क्वालिटीज में से वो निकल जाएगा अगर उसकी चीजें ऑल्टर हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि अगर वो तीनों चीजें नॉर्मल पानी जैसी ही है
तो फिर वो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, वो उसका ओरिजिन कहां से भी कुछ भी रहा हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो डिस्कशन पूरा चल रहा है, तो मेरे जहन में कुछ आयतें हदीसें आ रही थी कि जैसे मिसाल के तौर पर सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थमे हुए पानी में उन्होंने मना किया कि उसमें यूरिनेट मत करो और उसमें से फिर गुसल नहीं करो। तो हम देखते हैं कि गुसल करना पड़ेगा, इस वजह से यूरिनेट मत करो। कई स्कॉलर्स जैसे इमाम नवी वगैरह ने इस चीज़ के ताल्लुक से बताया कि पानी में यूरिनेट करने से ही मना किया गया, और बिल्कुल सही बात है कि हम देखते हैं कि जब एक इंडिविजुअल को मना किया गया तो पूरे के पूरे शहर की यूरिन या पूरे पूरे शहर का वो जो सारा का सारा सैनिटेशन का जो पानी जो है वो पूरा के पूरा वेस्ट वाटर जो है वो उसमें चले जाए, समंदर को पल्यूट करें। तो ये चीज़ सचमुच एक इस्लामिकली एक नापसंदीदा और गलत चीज है, कई सिचुएशन में जाकर हराम बनती है। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ऐसे सॉल्यूशंस निकले कम्युनिटी के तौर पर, सोसाइटीज के तौर पर, जहां पे ये वेस्ट वाटर को किस तरह से प्योरीफाई करें। और आज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती जा रही है, हम ये देखते हैं कि जहां इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऊपर वाले ने ऐसे साधन और ऐसे मीन्स भी, जरिए भी इंसानों के लिए अवेलेबल किया है। ये सारी टेक्नोलॉजी फिजा में मौजूद है, इंसान सिर्फ उस चीज को मालूम कर रहा है और वो भी ऊपर वाले की दी हुई तौफीक से। तो जो चाहे वो टैबलेट ही क्यों ना हो, चाहे वो सिस्टम ही क्यों ना हो, ये सारी सिस्टम्स एग्जिस्ट होते हैं नेचर में, इसी वजह से हम यूज कर पा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदी नास, कुरान की आयत है कि फसाद जाहिर हो गया है जमीन पर और दरियाओं में इंसानों के हाथों के कामों की वजह से। इंसानों के हाथ जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये फसाद जाहिर हुआ है। और ये चीज के ताल्लुक से हम सबको ये सारे स्टेप्स लेना होगा। और जैसे कि मिसाल एक जालना की देख लीजिए कि जालना के अंदर वहां पर जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ताल्लुक से फार्मर्स वगैरह सब ने इन्वेस्ट किया, तो यहां तक का ऐसा हुआ कि जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स ये अप्लाई किए गए, जब ड्रॉट भी आया उन्हें इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका ग्राउंड वाटर का टेबल वो बहुत अच्छा था। उसी तरह हम देखते हैं जैसे शिवाजी पार्क वगैरह पे जो कई लाखों लीटर जो वेस्ट होते थे पानी के, वो पिचेस को वाटर करने में उन्होंने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट किया उस वजह से काफी बड़ा फर्क हुआ। तो हम ये देखते हैं उनका ऑलमोस्ट 70% कंजम्पशन नॉर्मल वाटर का खत्म हो गया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम सबको सेटअप करने चाहिए कि जिससे कि हम सब मिलकर एक कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ एफर्ट डालें, कुछ कोशिश करें। मैं तो ये कहता हूँ ये खुद भी एक दीनी खिदमत है, क्योंकि इस्लाम ने यही सिखाया है कि इरहमो मन फिल अर्द यरहमो को मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये जमीन वालों पर रहम नहीं है तो क्या है, आगे की पीढ़ी के लिए रहम नहीं है तो क्या है कि पानी छोड़ के जाओ उनके लिए, वो भी अच्छा पानी, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर कई जगहों पे एग्जॉस्ट हो रहा है, जैसे कि पॉइंट आउट किया, मिल नहीं रहा है, कई जगहों पे खराब हो गया है, वो यूजेबल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कि खराब हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है ज़ैद खालिद साहब ने। मैं पालीवाल साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैंने अक्सर नॉर्थ इंडिया में जाता हूँ या दूसरे इलाकों में जाता हूँ, MP में जाता हूँ, तो एक मैंने अजीब चीज देखी इन दिनों, और वो ये कि छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी आबादियों में, छोटे छोटे गांवों में एक बीमारी बढ़ गई है खास तौर पे, और वैसे कई बीमारियां हैं, जैसे कि अक्सर लोगों की किडनी जो है वो असरअंदाज होने लगी है, लोगों को किडनी की आम तौर पे प्रॉब्लम होने लगी है। मैंने वहां लोगों से बात की, कई मेरे जानने वाले लोग किडनी की आरजे में मुबतला होकर किडनी की बीमारी से गुजर गए, इस दुनिया से चले गए। मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ का पानी इम्बेलेंस हो गया है, पानी के अंदर जो उसके जाय तरकीबी हैं या उसके फैक्टर प्रोडक्शन हैं उनमें उनके जो सिस्टम था वो बिगड़ गया है। वो क्या है और किस तरह से है और उसका इलाज क्या है ये बताइए। देखिए वो दो कारणों से बिगड़ता है, पानी की क्वालिटी खराब हुई है, क्वालिटी खराब, ये जमीन से निकलने वाले पानी की बात कर रहे हैं। तो एक तो जो हम ये पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं या जो इंडस्ट्री का कचरा है वो भी जमीन के अंदर पानी, जैसे बरसात हुआ उसके साथ वो भी नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। दूसरा एक कारण और है जो हम कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कभी हमें 20 फीट पे मिल रहा है, कभी 50 फीट पे। तो जमीन की जो तासीर है, जमीन के अंदर जो नेचुरल केमिकल्स हैं वो 20 फीट पे अलग हैं, 50 फीट पे अलग हैं। 20 फीट का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी हो सकता है, 50 फीट पे जाएंगे तो वहाँ के केमिकल थोड़ा अलग तरह के हैं। तो ये मान लेना कि हम बहुत गहरे से भी पानी उठाएंगे तो भी हमें अच्छा पानी मिलेगा, क्योंकि जमीन के जितने ऊपर पानी रहेगा समझ लो वो पवित्र पानी, बरसात का पानी है। जैसे जैसे वो बहुत नीचे जाता जाएगा तो नीचे जो चट्टाने हैं वो चट्टाने अलग तरह के केमिकल हैं। कई बार तो ये होता है कि हर 10 फीट पे आप धरती खोदिए आपको अलग तरह की चट्टान मिलती है, कहीं भुरभुरी है, कहीं एसिडिक है, कहीं एल्केलाइन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 20 फीट का पानी हमारे लिए जितना अच्छा है 200 फीट का पानी भी उतना ही अच्छा होगा। क्या बात है नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात।
पालीवाल साहब हमको बता रहे हैं, हमारे लिए जरूरी ये है, हम आज तक ये समझते रहे, मैं खुद समझता रहा और मुझे लगता है आप भी समझते यही होंगे कि जमीन के नीचे पानी है और बेहिसाब पानी है, और उस पानी को चाहे नीचे चला जाए या ऊपर आए, 100 फीट पे हो या 50 फीट पे हो या 20 फीट पे हो, उसे हम इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत बात आपने बताई कि जमीन का हर लेवल अलग किस्म के असर रखता है, खवास रखता है, यानी उसके अंदर जो केमिकल्स हैं 20 फीट पे जो केमिकल्स हैं, हो सकता है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, और जो 40 फीट पे केमिकल्स हों वो शायद आपके लिए उतने फायदेमंद ना हो या नुकसानदेह हों, आपको और आपकी नस्लों को नुकसान पहुंचाने वाले हों। तो कोशिश कीजिए, जो बहुत अच्छा फार्मूला पालीवाल साहब ने बताया है हमको, वो ये कि हमारे यहाँ जितनी बारिशें हों उतना ही हम कोशिश करें कि ज़मीन से पानी निकालें और इस्तेमाल करें, और हम ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ बारिशें ज़्यादा हों, और बारिशें ज़्यादा पेड़ की तादाद से होती हैं, बारिशें माहौल को ज़्यादा अच्छा रखने से होती हैं। अभी साहब के पास चलते हैं। मेरा ये कहना है एक छोटी सी बात कि जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कई वजह से गंदा हो रहा है। जैसे अभी एक सर्वोदय वालों ने एक आर्टिकल उनकी पत्रिका में एक आया था, मैगजीन में, तो फोटोग्राफ था, ऐसे पानी के ग्लास 5-6 थे, एक में ऑरेंज कलर का पानी, एक में पर्पल पानी, एक में लाल पानी, इस तरह की तस्वीरें थी, और उस पर लिखा हुआ था, ये सर्वोदय वाले यानी गांधी वालों की बात कर रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ था कि भाई ये फला गांव का पानी, ये फला गांव का पानी, ये उस गांव का और ये इस गांव का, तो ये कैसे हुआ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, धरती के नीचे जो चट्टाने हैं वो भी हर जगह एक सी नहीं है, हो सकता है बम्बई के एक हिस्से में 20 फीट पे एक तरह की चट्टान है और दूसरे किनारे पे दूसरे तरह की चट्टान है। आप इसको ऐसे देखिए, कई जगह खासतौर से राजस्थान में और पंजाब हरियाणा में जो कुएं खोदते हैं, कई जगह कुछ खारा पानी निकलता है, कई जगह बहुत खारा निकलता है, कई जगह बहुत मीठा निकलता है, और कई बार तो ये होता है कि 10 फीट पे ही आपने बोरिंग किया तो पानी निकल ही नहीं रहा, और इसके लिए पहले पानी को जानने वाले विशेषज्ञ होते थे, वो बहुत सी चीज़ों को देख के बताते थे कि धरती में भी किस जगह पानी है, हर जगह धरती में भी पानी नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से केमिकल जो फैक्ट्रियां हाँ, जो बनी है, बिल्कुल बहुत देर से हम केमिकल कर रहे हैं, लेकिन हाँ। हमारी जरूरत है ये फैक्ट्री, हमारी जरूरत है ये फैक्ट्रियां ना हो तो हिंदुस्तान जहां का तहां रुक जाए, इनका कचरा जाए तो कहां जाए। देखिए, कचरा शोधन की भी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब वो टेक्नोलॉजी थोड़ी खर्चीली पड़ती है, तो कई बार कुछ फैक्ट्री ओनर्स अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वो खर्च नहीं करना चाहते और चुपके से नदी में छोड़ देते हैं उसको, तो हमें अपने लालच को कम करना पड़ेगा। इसका इलाज क्या है पालीवाल साहब? इलाज वही है जो अभी सब लोगों ने यहाँ पे कहा है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, यानी फैक्ट्री वाले को या आसपास रहने वाले सभी को, हम सबको। ये देखिए, पानी एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई एक आबिद सुरती, आरके पालीवाल, आप अकेला इसको हल नहीं कर सकता, ये हमारा साझा मसाइल है, इसको हमें सबको ही मिलके हल करना पड़ेगा। पानी का मसला हम सबको मिलके हल करना पड़ेगा नाजरीन, वरना हमारी आने वाली नस्लें हम सबको बुरा कहेंगी और हम पे इल्ज़ाम रखेंगी कि हमने उनके लिए विरसे में खराब पानी छोड़ा। आबिद भाई, आप सोल्यूशन बता रहे थे कोई, जिसे मैंने बीच में रोक सोल्यूशन हवा से पानी निकालने वाले हैं। एक तो नहीं, वो हवा है। से हम उसे डिफाइन कीजिए जरा, मैं जानना चाहता हूँ। वो किसी बंदे ने कुछ टेक्नोलॉजी यूज की और हवा में जो पानी होता है, नमी जो होती है, तो जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में नमी है, गाँवों में नमी है, वहाँ उसने गंगा बहा दी, मॉइस्चर ये कहिए, मॉइस्चर वो हवा में से लेकर नीचे नल लगा दिए थे, कुछ किसी तरह पाइपलाइन लगाई थी, मेरी वेबसाइट पर डिटेल में मैंने दिया है, वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उसकी वीडियो भी है। तो ये किस तरह उन्होंने किया वो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन जो वीडियो जो है दिखा रहा है कि उस गाँव में, एक गाँव की वीडियो थी, लोग नाच रहे हैं, इतना पानी उनको मिल रहा है जो कभी कुछ नहीं मिलता था। अब ये सवाल जो आपका है कि वजह पानी जो गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब पानी कम हो रहा है, हल क्या है? हाँ, हल उसका ये है कि हमारा जो एक कल्चर था हिंदुस्तान का, जिसे हम तालाब का, झील का कल्चर कहते हैं, तालाब, झील, कुओं का कल्चर, ये सारे, मतलब जैसे जैसे तरक्की होती गई टेक्नोलॉजिकल, तो ये सारे मिटते गए, गाँवों से झीलें खत्म हो गई, वहाँ झीलों पर मकानात बन गए। लेकिन आबिद भाई, झीलें तो अगेन गंदगी की जगह थी, भैंसे जाके नहा रही होती थी, वहाँ
नहीं सब वैसे नहीं थे, गला जाते वहाँ जा रही होती, ठहरा हुआ पानी जिसमें से सड़न उठती थी और बरसात में इकट्ठा हो जाता था फिर सूख जाता था, ऐसी कुछ होगी। लेकिन मतलब सारी क्या, नहीं क्या, मकसद जो था झील का, जो मकसद था उस पर बढ़िया किताब है, झील भी आज भी खड़े है तालाब। मैं इसको थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब प्लीज मैं इसको इस तरह से दूंगा कि तालाब को हम समग्रता में देखना पड़ेगा, ये नहीं कि उसमें भैंसे नहा रही है, भैंसे किसने नहलाई, हमने नहलाया। तो अगर वो गंदगी हुई, कुदरत ने तो गंदगी नहीं दी तालाब को, वो गंदगी तो हमने दी ना उसको। तालाब का तो बहुत बड़ा महत्व है हमारे भारत जैसे देश के लिए। थोड़ा सा इसको अगर हम इस नजरिए से देखें कि अगर हर गांव में कुछ बड़े तालाब हों, उनकी साफ सफाई रहे, तो आपकी दो समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी, बाढ़ की समस्या और सूखे की समस्या। देखिए बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ पहले भी आती थी लेकिन उसका असर तालाब कम करते हैं। काफी बाढ़ का नदी का पानी उफना, तालाब ने उसको धीमा कर दिया, रोक दिया, उसके वेग को रोक दिया, तो तालाब भर गए, उस बाढ़ से तालाब भर गए। और जब बाढ़ उतर गई, इसी तालाब का पानी सूखे में काम आया, उसने सूखा नहीं पड़ने दिया। अब अगर हमारे गांव से तालाब खत्म हो गए तो हमको बाढ़ भी हर साल झेलनी पड़ेगी, सूखा भी हर साल झेलना पड़ेगा। और तालाब का एक और बहुत बड़ा महत्व है, हमको तालाब का पानी केवल तालाब के दायरे में दिखाई देता है, लेकिन गांव के एक तालाब का पानी, आसपास बड़े तालाब का पानी, चारों तरफ एक एक किलोमीटर अंदर भी वाटर टेबल बढ़ाता है। तो तालाब से एक किलोमीटर दूर भी जो आप खेती कर रहे हैं या जो नल लगाएंगे या जो कुआं खोदेंगे, उसमें तालाब से जो पानी नीचे रिसके गया है, ये समझ में आने वही पानी आपको मिल रहा है। हाँ, ये एक तो तालाब, इसीलिए पहले देखिए कोई भी वो मुगल बादशाह रहा, हिंदू राजा रहा, सबसे पहला काम क्या करता था, गाँव में तालाब खुदवाई गया। तो ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच थी और बहुत बड़ा एहसास था अपने लोगों को कुछ देने का। सबसे बड़ा पुण्य का काम प्याऊ रखना, तालाब खुदवाना। तो इसको हमको वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझने की जरूरत है कि उन तालाबों की कल्चर को, अच्छे तालाबों की कल्चर को हमें दोबारा वापस लाना होगा, अगर हम हर साल की बाढ़ और सूखे की समस्या से, पानी की समस्या से बचना चाहते हैं। नाज़रीन बहुत अच्छी बात है, हमें पालीवाल साहब बता रहे हैं पुराने जमानों से पुण्य का काम, सवाब का काम समझा जाता था, राजे महाराजे नवाब रास्तों में गांव और शहरों में तालाब बनवाया करते थे, प्याऊ लगवाया करते थे और वो तालाब हमारे गांवों और शहरों को जिंदगी दिया करते थे, हमारे वाटर लेवल को ऊपर लाते थे, हमारे खेत खलियानों में खेती उन तालाबों और झीलों की वजह से लहलाती थी और बाढ़ और सूखे से हमारे गांवों को बचाते थे। आइए मैं एक और एक अहम सवाल पूछता हूँ आपसे, आप तीनों हजरात से पूछ रहा हूँ ये सवाल में, क्योंकि बड़ा कॉमन सा सवाल है। एक वक्त था कि जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, जब पानी प्योर या इम्प्योर भी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, ये जानते भी नहीं थे लोग, समझते भी नहीं थे, हालांकि आबो हवा वैसी थी, महाराज जैसी जगहों पे जमीन से पानी निकलना मुश्किल होता था, वही बारिश का पानी पिया जाता था, उसी झील में मुंह डाल के बच्चे पानी पी लेते थे, कहीं किसी गांव के तालाब में बच्चे नहा धो के उठ के खड़े हो जाते थे, ना कोई जख्म पकता था, ना किसी की किडनी खराब होती थी, ना किसी की सेहत में कोई परेशानी आती थी, ना कहीं कोई ग्रोथ में कमी आती थी। आज मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी अर्बन लाइफ है वो खास तौर पर, और सबवेयर रूरल लाइफ भी, प्योर वाटर प्योरिफिकेशन के वो लगा दिए गए घरों में, अलग अलग हमको टेलीविजन ने और हमको एडवर्टीजमेंट ने बताया कि पानी जो है वो बड़ा प्योर होना चाहिए, बड़ी काम की चीज़ है, हमारे पास जो पानी है वो बड़ा इम्प्योर है, तो इसे हम प्योर कर रहे हैं घर पे रख के, कुछ अपनी अपनी हैसियतों के हिसाब से हमारे पास प्योरीफायर्स हैं और उसके बावजूद हम पानी की बीमारियों में मुबतला हैं, तो ये क्या फ़र्क है, ये प्योरिटी इम्प्योरिटी अचानक ये 20-25 साल में कहाँ से आ गई, मैं जानना ही चाहता हूँ। मेरा बेसिक सवाल यह है कि 20-25 साल पहले ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी क्यों नहीं थी। इसके दो पहलू हैं, एक तो ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि इन 25-50 सालों में हमने पानी को बहुत खराब किया है, वो हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, पेस्टिसाइड से, इंडस्ट्रियल कचरे से, अपने सीवेज को नदी नालों में डाल के, तो एक तो क्वालिटी हमने उसकी वहाँ खराब की, दूसरी हमने अपनी क्वालिटी खराब की है, हम कंफर्ट जोन में चले गए, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कुदरत ने जो हमको इम्यूनिटी दी है, जो हमको प्रकृति में रह के, खुले में रह के सेहत मिलती थी, वो अब नहीं रही है, बिल्कुल बंद करके एयर कंडीशन लगा के दिन भर रहिए, अपनी कार में भी एयर कंडीशन लगवा दीजिए, ये कहीं हमारी अंदर की इम्यूनिटी को तोड़ रही है। तो एक तो हमने बाहर का पानी खराब किया, दूसरा अपने अंदर का जो कुदरत ने हमारा एक सिस्टम दिया था, थोड़ा बहुत खराब पानी भी पी लेंगे, थोड़ी बहुत बीमारी भी हो जाएगी,
बिना दवाओं के खुद ही ठीक हो जाएंगे, तुलसी के पत्ते से काढ़े से ठीक हो जाएंगे, तो उस वजह से ये सेहत की समस्या तो इस वजह से आई है, पानी की क्वालिटी खराब की और अपने जीवन की क्वालिटी खराब की। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। जितने हम प्रकृति से दूर जाएंगे और अपनी बनाई हुई चीजों में घिरेंगे, कार के एसी में रहेंगे, घर के एसी में रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, सूरज के सामने नहीं जाएंगे, कहाँ से विटामिन मिलेगा? आपको लड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी बीमारियों से। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि पानी की प्योरिटी और इम्प्योरिटी वैसी की वैसी है, हम कमजोर हो गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। हम जिस पानी को कल बर्दाश्त कर पाते थे, आज शायद उस पानी को हमारा सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज्यादा क्लीन वाटर मांगता है और ज्यादा क्लीन आबो हवा हमसे मांगता है। मैं आपके पास आता हूँ अमित भाई, आपसे खासतौर पर जानना चाहता हूँ कि ये जो पानी का इस्तेमाल अर्बन एरियाज में है और रूरल एरियाज में, इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपका मिशन है, उसमें कहीं कोई फर्क है आपको नजर आता है? यानी एक मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देके अपना सवाल समझाऊं, एक अर्बन एरिया में रहने वाला शख्स जो फ्लैट में रहता है, उसके यहाँ टेप भी है, टेप खोलता है, टपकती है या नहीं टपकती है, शावर है, पानी लेता है या उसके यहाँ टब है, सब कुछ है। एक गांव में रहने वाला आदमी जिसके यहाँ ना टेप है ना कुछ है, ना पब, वो नल लगा हुआ है, जाता है गिलास में, नल में पानी भर लेता है, पी लेता है, बाथरूम में या गंगा में जाके नहा लेता है जैसे आपने बताया अभी, या किसी तालाब में नहा लेता जाके पानी पीने की बाल्टी भर के आगे कुएं में से, वहाँ कहाँ वाटर वेस्ट हो रहा है और वहाँ क्या जरूरत है सेविंग की? देखो वहाँ तो ये लोग महिलाएं औरतें जो है मीलों तक चलती जाती है। पर्टिकुलर राजस्थान की बात हो, अगर हम नॉर्थ इंडिया में चले जाए तो हर कदम पे पानी है, सबसे ज्यादा पानी है, और वो पानी जो है हर मोहल्ले में नल गड़े हुए हैं, हर गाँव के बाहर सरकार ने इतने बड़े बड़े नल लगवा दिए हैं, और एक इतना सा इशारा करो तो नल में से आधी बाल्टी पानी बाहर आता है, इतना सा इशारा कीजिए, वो भी इतने बड़े बड़े बम्बे वाले नल होते हैं, ऐसे इशारा कीजिए आधी बाल्टी पानी, मतलब मैं कभी उधर से गुजरता हूँ अपने हाथ से पानी जला के अपने हाथ से मुंह धो लेता हूँ, जो पहले कभी नहीं होता था, अब ये कैसे है? तो वहाँ पानी की वेस्टेज क्या है और वहाँ पानी को बचाने की जरूरत किस हद तक है? ये अवेयरनेस तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना, इसको अवेयरनेस अगर क्रिएट नहीं करते, जैसे मैंने बताया कि भाई कश्मीर में मुझे क्यों बुलाया गया, वहाँ तो जरूरत नहीं थी ना, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मिसाल दी, कुरान शरीफ का हवाला दिया और ग्लोबल प्रॉब्लम बताया, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे पानी है या नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया की बात करें, इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों की समस्याओं में, दोनों की दिक्कतों में फर्क होता है, सोल्यूशन में भी फर्क होता है। बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि वो जो राजस्थान की मिसाल दे रहा था मैं कि महिलाएं जा रही है और आ रही है, मिलों का सफर, जिंदगी उनकी उसी में बीत जाती थी, तो वहाँ किसी ने नल लगवा दिए तो सारी महिलाओं ने मोर्चा निकाला कि इसको हटाओ नलों को। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, अपने घर में पानी दिया, तो वजह समझ में नहीं आई किसी की, ये क्यों कर रही है, मतलब हमने तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है मैंने। तो महिलाओं ने कहा कि जो हमें एक स्पेस मिल रहा था डिस्कशन का, अंतरंग सहेलियों के साथ बातें करने का, अब वो सास के साये में बैठना पड़ता है और सब अच्छे अच्छी बुरी खत्म हो गई, वो गीबतों का दौर खत्म हो गया, जो गीबत कर रहे थे यहाँ से वहां तक जाते आते, तो कई जगह ये काम कर जाते हैं नल, कई जगह नहीं करते हैं। गाजियाबाद के करीब कहीं एक गांव, वहाँ पानी का प्रॉब्लम, वहाँ बहुत सीवियर प्रॉब्लम पता चला, वहाँ इसलिए है कि वहाँ जो तालाब था उस पर वो बिल्डरों ने मकान बना दिए और प्रॉमिस किया था कि आपको हम नल देंगे, अब पानी आएगा कहाँ से जब पानी है ही नहीं, जो जरिया सोर्स जो था वो तो तालाब और झील, ये लोग थे उनके, तो हर जगह के प्रॉब्लम अलग है। आपसे एक मुझे अचानक याद आया एक बात, मैंने अक्सर देखा, यहाँ भी देखा, बाहर भी देखा, मस्जिदों में हौज बनाने के एक तरीके होते थे, मस्जिदों में हौज इकट्ठा किया और वहाँ लोग बैठ के, जहाँ बहुत बहुत लोग आते थे, जैसे आज भी दिल्ली की जामा मस्जिद में अगर आप जाएं तो बड़ा हौज है और हौज के चारों तरफ 50 लोग बैठ के वजू कर रहे होते हैं, तो क्या वो किसी वाटर सेविंग को जहन में रख के बनाने वाली चीज थी या क्या था? इसके अंदर एक इस्लामिक कंसेप्ट ये है कि अगर एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर हो तो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर उसके अंदर नजासत बहुत इजीली उसको गंदा नहीं करती, तो इसी वजह से इस तरह की लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर को एस्टेब्लिश करना और प्रिजर्व करना, ये दोनों हम देखते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन में। आप देखेंगे जो मुस्लिम सिटीज वगैरह जो ट्रेडिशनली एस्टेब्लिश हुई उसके अंदर ये इस तरह के तालाब का एक पर्टिकुलर रोल था, जो वुजू के लिए हौज का रोल प्ले करे, या मस्जिद के अंदर, या जो सिटी के हम देखते हैं जैसे मिसाल के तौर पे उसको प्रिजर्व करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दो लानत वाली चीजों से बचो, लानत वाली चीजें, और उसमें से एक है कि कोई शख्स पेशाब या पाखाना करे लोगों के रास्ते में या जहाँ पे वो जाकर बैठते हैं वो जगह पर, उसी चीज से इस्तेलाल करते हुए हम देखते हैं ऐसे तालाब में जाकर करना वगैरह, इसको खराब करना
ये इस्लाम ने बुरा बताया है, इसको प्रिजर्व करने सिखाया है। तो जैसे कि बहुत राइटली पॉइंटेड आउट पॉइंट किया है कि आज के ये मैड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के अंदर सिर्फ जहां पे प्रॉफिट्स मैटर होते हैं और लोग भी भूल जाते हैं इस चीज को, तो हम ये देखते हैं कि ये नेचुरल हैबिटेट जिससे कि प्रिजर्व हो रहा था, वो वहां का एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम एक तरह से प्रिजर्व हो रहा था, वो चीज खराब की गई। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो गए हैं, अगर अब भी लोग पहचाने नहीं तो पता नहीं आगे के लिए क्या होने वाला है। यहाँ एक इतना सीवियर मामला है कि आप इमेजिन करिए कि आसमान से बारिश आती है, वो बारिश जो जाकर ग्राउंड वाटर के वाटर टेबल को बढ़ा देती थी, लेकिन आज क्योंकि हमारी सिटीज पूरी तरह से कवर्ड है, पानी जाकर सड़क पे गिरेगा, टार पर, टार की बनी हुई सड़कें या कॉन्क्रीट की बनी हुई सड़कों पर, सड़कों में से जाकर गटर में जाएगा, गटर में से जाकर समंदर में पहुंचा दिया जाएगा। तो यानी वो ग्राउंड वाटर लेवल तो नहीं बढ़ा रहा है ना, वो ग्राउंड वाटर लेवल हमारा जो बढ़ जाता था वो तो सी में जा रहा है, सी लेवल जी, और वो आ रहा है, वो फ्रेश पानी है, वो हमारे काम का पानी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक कम्युनिटी के तौर पर, मान लीजिए आपकी खुद की कॉलोनी है या कुछ लोग मिलकर एक इनिशिएटिव प्ले करते हैं कि भाई हम इसे वाटर को कलेक्ट करेंगे हार्वेस्टिंग के जरिए, और कुछ नहीं तो जाकर हमारे यहाँ अगर कोई लोकल कुआं है या अंदर कोई सिस्टम है उसके जरिए ग्राउंड वाटर तक पहुंचा दे, तो ये चीज करके यानी ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल बढ़ता है और जो हमें लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। क्या कमाल की बात बताई है भाई ने कि जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है सड़कों का, जो हम तारकोल से या डामर जिसको कहते हैं बनाते हैं, बारिशें होती हैं, गिरती हैं, उनसे पानी बहता है, नालियों में जाता है और समंदर में चला जाता है। वाटर लेवल जमीन का बढ़ना था, समंदर का बढ़ जाता है, अच्छाई की जगह बुराई हो जाती है। नाज़रीन, इतना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, इसको बीच में छोड़ के जाना मुश्किल है, लेकिन घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से हमेशा की तरह आगे बढ़ रही हैं और हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। सवाल आपसे वो ये कि किसानों की खुदकुशी और पानी का कोई ताल्लुक है? आज पूरे हिंदुस्तान में किसानों की खुदकुशी एक मसला है, और जाहिर सी बात है किसान खुदकुशी खेती की वजह से करेगा, पानी की कमी की वजह से करेगा, तो उसका और पानी की कमी का क्या ताल्लुक? देखिए, अगर हम ये कहें कि पानी की वजह से खुदकुशी हो रही है तो ये गलत बात होगी। खुदकुशी के कई कारण हैं, उसमें पानी भी एक ये कारण है कि आजकल किसानों ने भी थोड़ा ज्यादा धन कमाने के लिए जो ट्रेडिशनल खेती होती थी, पहले गेहूं की खेती होती थी, बाजरे की खेती होती थी, चने की खेती होती थी, गन्ने की खेती होती है। गन्ना तो बहुत पानी लेता है, बट मैंने जो नाम लिए चना हुआ, मटर हुआ, ये बहुत कम पानी की जरूरत होती थी। अब जिसको हम कैश क्रॉप कहते हैं, कपास है, गन्ना है, इनको बहुत पानी चाहिए, और अगर किसी साल कम पानी होगा तो कैश क्रॉप बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ज्वार बाजरा ये भी बोया होता तो ये कम पानी को भी झेल जाती है ये फसलें। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पानी उतना जिम्मेदार हो गया कि हमने ऐसी फसलें ज्यादा उगाना शुरू कर दिया जिसको हमेशा बहुत पानी की जरूरत है, वो ग्राउंड से आए या बरसात से आए, और अगर बरसात कम हुई है तो ग्राउंड वाटर भी कम होगा, तो उतनी जिम्मेदारी। जैसे पॉपुलर के पेड़ में देख, यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़, पुराने जमानों में शीशम के पेड़ लगते थे, और अगर लकड़ी की जरूरत के लिए भी हो तो इस तरह की चीजें होती थी, बेल के पेड़, ये सब। आज हम लोगों के खेतों के किनारों पे या खेतों में बाकायदा यूकेलिप्टस और पॉपुलर ने जगह ले ली, और जहां तक मैं जानता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यूकेलिप्टस और पॉपुलर बहुत ज्यादा पानी लेता है। हाँ, और इसीलिए आप देखते हैं कि वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये मान लीजिए कोई भी पेड़ जितना जल्दी बढ़ेगा उतना ज्यादा पानी, और बाकी भी जो तत्व जमीन से जो उनकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, उनको उतना ज्यादा लेगा। शीशम अगर 100 साल में पक रहा है, आम अगर देसी आम जो था पहले वो 50 साल में बड़ा हो रहा है, तो वो पानी भी कम ले रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी वही हुआ कि जमीन से मनुष्य ने पानी ज्यादा निकाला, हम खेती भी ऐसी करने लगे कि उसको भी पानी ज्यादा चाहिए, तो वो डिमांड सप्लाई गड़बड़ गया। डिमांड सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का रूल है वो हम लोगों ने बिगाड़ना शुरू कर दिया। सर, टाइम एकदम खात्मे पे है, मैं आप तीनों मेहमानों से ये चाहूंगा कि एक एक मैसेज दे दें, छोटा छोटा सा ऑडियंस को मैसेज दीजिए कि ये प्रॉब्लम जो है इससे कैसे निपटा जाए। मेरा तो सिंपल मैसेज होता है जी, जान कर चलो, मान कर मत चलो। क्या बात है जैद भाई। मेरा ये मैसेज है कि पानी के ताल्लुक से पानी प्रिजर्व करना, पानी के जरियों को प्रिजर्व करना, उन्हें खराब होने से बचाना, उन्हें पल्यूट होने से बचाना, ये हम सब के लिए जरूरी है और लाजिम है। कई बार ये सब चीजें प्रिजर्व करने में से एक छोटा सा एफर्ट डालना होता है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के कुछ करना होता है। एक होता है सुस्त इंसान जो पानी को लीक होने देता है या जाय होने देता है, उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करता, या वो देख रहा है कि पानी के सोर्सेस खराब किए जा रहे हैं और वो उसका सोल्यूशन बनने की कोई कोशिश नहीं करता, सोशल तौर पर कोई कोशिश इनिशिएट नहीं करता।
लेकिन अगर एक शख्स के अंदर सिर्फ इतना एहसास आ जाए, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, उसे थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा इस एनवायरमेंट को, अल्लाह की दी हुई जमीन को खराब होने से रोकने के लिए, या मान लीजिए वो शख्स एक इंडिविजुअल है, एक इंफरादी तौर पर एक इंसान है, या कोई एक सोसाइटी में रहने वाला एक शख्स है, तो वो सब के सब अगर अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के कुछ इनिशिएटिव और कुछ कोशिश करते हैं, तो ये कोशिश के जरिए बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं बताऊंगा, और वो हदीस ये है कि मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई गलत चीज अगर होता देखे, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको उस चीज को, चाहे वो पॉल्यूशन हो रहा हो, चाहे वो कोई भी चीज है। वो इल्लम यस्तति, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, फबी लिसान ही, तो जुबान से बुरा कहो। वो इल्लम यस्तति, और अगर वो भी कैपेसिटी नहीं है, फबी कल्बी, तो दिल में कम से कम बुरा समझो। ये ईमान का सबसे कम दर्जा है, दिलों के अंदर वो एहसास आ जाए तो हमारे बाहर के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वो एहसास हमारे दिल में आना और रियलाइज करना, यही सबसे बड़ी चीज है आज। फालीवाल साहब, दो अनुरोध सबसे करना चाहूंगा, पानी बढ़ाओ और पानी बचाओ। पानी बढ़ाने के लिए पेड़ लगाने होंगे, हर शख्स कम से कम एक दो पेड़ अपने आसपास जरूर लगाए, उससे पानी बढ़ेगा। पानी बचाएंगे, जितना हम पानी फैला रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी करें, ताकि दूसरे लोगों को, जानवरों को, पक्षियों को, गरीब लोगों को भी जरूरत का पानी मिले। और दूसरा, ये नदियों को सूखने नहीं देंगे, सड़ने नहीं देंगे। पेड़ लगाएंगे तो सूखेंगी नहीं, प्रदूषण रोकेंगे तो सड़ेंगी नहीं। बस हम सबको मिलके करना है, अकेले नहीं। पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। आइए हम तहिया करें और अपने आप से वादा करें कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसा हिंदुस्तान सौंप कर जाएंगे जिसमें साफ पानी होगा, मीठा पानी होगा, ऐसा माहौल होगा, ऐसी आबो हवा होगी जिसमें वो खुलकर सांस ले सकेंगे। मैं आपकी तरफ से अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पालीवाल साहब, आबिद साहब, जैद खालिद भाई, और मेहमानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।